बॉलीवुड एक्ट्रेस हो लड़ाई ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बॉलीवुड जो एक ऐसी दुनिया है जहां पर आए दिन हम लोगों को कई कॉन्ट्रोवर्सीज देखने को मिलती है, वहीं बॉलीवुड की हसीनाएं एक दूसरे से काफी चिढ़ती भी हैं और कई बार इनकी लड़ाइयों की खबरें इतनी जोरों से फैली है कि हम सब दंग रह गए हैं। जी हाँ, किसी ने किसी के बाल तक नोच दी तो किसी ने सरेआम थप्पड़ लगा दिया, फिर भी इन लोगों को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। आज इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे उन बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में जिनकी आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई है और आज तक वो लड़ती ही आ रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेत्रियां हमेशा खुद को लाइम लाइट में रखना चाहती हैं, दूसरों से अलग दिखने के लिए कई प्रयास करती हैं, इंडस्ट्री में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए इनमें होड़ मची रहती है। ग्लैमर की इस दुनिया में दो अभिनेत्रियों के बीच दोस्ती कम और नफरत ज्यादा नजर आती है। अक्सर देखा जाता है कि इन अभिनेत्रियों के बीच कैट फाइट के चर्चा सामने आते रहते हैं। इंडस्ट्री में हर कोई अभिनेत्रियां ऐसी हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करती हैं। ये एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। आज हम आपको बॉलीवुड की ऐसी ही अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखती और एक दूसरे से नफरत करती है। कई तो एक दूसरे को चांटा तक लगा चुकी है और कई सरेआम गाली तक दे चुकी है। वहीं पहले बात करते हैं कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण की। बॉलीवुड की डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण और बाबी गर्ल कैटरीना कैफ के बीच दोस्ती कम और नफरत की खबरें ज्यादा मिलती है। एक समय था जब दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन हीरो रणबीर कपूर को लेकर इनके रिश्ते में दूरी आ गई। बताया जाता है कैटरीना की वजह से ही दीपिका और रणबीर का ब्रेकअप हुआ था। वहीं बात करते हैं कंगना रनौत और प्रियंका चोपड़ा की। बॉलीवुड की क्वीन यानी कंगना रनौत, जी हाँ, हमेशा से ही अपनी बेबाकी भरे अंदाज के लिए जानी जाती है। वहीं प्रियंका चोपड़ा तो अपनी जिंदगी में इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि उनके पास पीछे देखने का समय ही नहीं है। वहीं कंगना रनौत का बेबाकी वाला नेचर, इसी के कारण इंडस्ट्री में उनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है। खबरों के अनुसार फिल्म फैशन के दौरान कंगना और देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के बीच किसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद दोनों अभिनेत्रियों के बीच कैट फाइट सभी के सामने आई थी। कंगना ने भी प्रियंका पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा था। वहीं बात करते हैं रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या रॉय की। पूर्व विश्व सुंदरी ऐश्वर्या रॉय और रानी मुखर्जी भी इस लिस्ट में शामिल है। ऐश्वर्या और रानी के बीच भी कैट फाइट के बारे में पूरी दुनिया जानती है। इन दोनों अभिनेत्रियों में इतनी नफरत है कि वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। बताया जाता है कि फिल्म बंटी और बबली के दौरान दोनों के रिश्तों में खटास आई थी। इस फिल्म के दौरान रानी और अभिषेक के अफेयर की खबरें पढ़ने को मिली। इसके अलावा दोनों के बीच फिल्म चलते चलते के दौरान भी झगड़ा हुआ था। वहीं बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर की। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और बेबो करीना कपूर, इनके बीच पुरानी दुश्मनी है। फिल्म एतराज के लिए लोगों ने प्रियंका की जमकर तारीफ की थी और करीना को नजरअंदाज कर दिया था। इतना ही नहीं, करीना ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में प्रियंका के एक्सेंट को भी बनावटी बताया था और मजाक भी उड़ाया था। वहीं बात करते हैं सोनाक्षी सिन्हा और जरीन खान की। बॉलीवुड दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा और जरीन खान भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती। इन दोनों के बीच फिल्म रेडी के दौरान कैट फाइट शुरू हो गई थी। बताया जाता है कि फिल्म रेडी के गाने की लॉन्चिंग के दौरान जरीन के पास से गुजरने के दौरान हुए सोनाक्षी ने उन्हें हल्का धक्का दे दिया था। इसके बाद से दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगी थी और एक दूसरे को खासा पसंद नहीं करती। वहीं बात करते हैं 90 के दशक में रवीना टंडन और करिश्मा कपूर के बीच लड़ाई काफी सुर्खियों में बनी रही थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसका कारण था अजय देवगन और दोनों एक्ट्रेस की अजय देवगन को पसंद करती थी, लेकिन अजय देवगन रवीना को डेट कर रही थी, लेकिन बाद में वो करिश्मा की तरफ आकर्षित होने लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक बार रवीना और करिश्मा ने एक दूसरे के बाल तक नोच लिए थे। वही बात करते हैं अमृता राव और ईशा देओल की। इनकी बीच की लड़ाई बहुत सालों पुरानी है। जी हाँ, आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों एक्ट्रेस ने एक फिल्म में साथ काम किया था, जहां दोनों के बीच विवाद ऐसा बढ़ा कि ईशा देओल ने अमृता राव को थप्पड़ जड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमृता ने ईशा को काफी कुछ गलत कह दिया था, जिसमें ईशा को गुस्सा आया। वहीं बात करें बिपाशा बसु और करीना कपूर की, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार करीना ने फिल्म अजनबी की शूटिंग के दौरान बिपाशा को काली बिल्ली कहा था। वहीं जॉन अब्राहम के लिए भी इन्होंने नेगेटिव कमेंट किए थे, जो उस समय बिपाशा के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। इस इंसिडेंट के बाद जब बिपाशा कॉफी विद करण में पहुंची तो उन्होंने कहा था कि करीना एक्टिंग करते समय बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन देती है। इसके बाद से ये दोनों एक्ट्रेस कभी साथ नहीं दिखी और एक दूसरे से नफरत करने लगी। वहीं बात करते हैं माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी की। आपको बता दें कि इन दोनों ही अभिनेत्रियों ने इंडस्ट्री में रूल किया है। वहीं कहा जाता है कि इन दोनों अभिनेत्रियों की लड़ाई सिर्फ इतनी सी थी कि दोनों ही इंडस्ट्री में रूल कर रही थी और इन दोनों को ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्पिटिशन फील होता था। वहीं आपको बता दें ऐश्वर्या राय और सोनम कपूर, जी हाँ आपको बता दें इन दोनों को भी आपस में लड़ाई है। कहा जाता है कि एक ब्रांड की एंडोर्स ऐश्वर्या राय थी, जिसके बाद उन लोगों ने सोनम कपूर को बना लिया और वहीं ऐश्वर्या राय को ऐश आंटी कहकर भी पुकारा जाने लगा। और ये बात जब ऐश्वर्या को पता चली तो ऐश्वर्या ने सोनम कपूर के साथ रेड कारपेट में चलने से मना कर दिया। वहीं बात करते हैं जीनत अमान और प्रवीण बॉबी की। इन दोनों का रिश्ता भी कुछ खासा सही नहीं रहा, क्योंकि आपको बता दें इन दोनों के बीच काफी कॉम्पिटिशन था और काफी लड़ाई थी। दोनों ही एक जैसी दिखती थी और दोनों में सेम सेम खूबियां थी। शुरू से ही सेम डायरेक्टर्स और सेम एक्टर्स के साथ काम करना चाहती थी। वहीं बात करें माधुरी दीक्षित और जूही चावला की, बता दें इनका 90s में आपस में बहुत कंपटीशन था। इन्होंने साथ में गुलाब गैंग में फिल्मों में काम किया था। जूही ने एक बार बताया था कि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑफर थे माधुरी के साथ काम करने के, लेकिन वो कभी भी माधुरी के साथ काम नहीं करना चाहती थी। वहीं बताते हैं दीपिका और बिपाशा की। जी हाँ, दीपिका जब रणबीर कपूर को डेट कर रही थी तो बचना ये हसीनों फिल्म के दौरान बिपाशा बसु उनके साथ थी। उन्होंने कहा कि उनकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी, इस वजह से दीपिका बिपाशा से चिढ़ने लगी थी। जी हाँ, हर कोई नहीं जानता कि ऐश्वर्या और रानी मुखर्जी की भी आपस में लड़ाई है। वैसे हर कोई ये नहीं जानता कि जूही चावला और माधुरी दीक्षित एक दूसरे से इस समय में कितना ज्यादा ज्वेलस फील करती थी, क्योंकि दोनों ही टॉप की एक्ट्रेस थी। वही कोई नहीं जानता कि शायद माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी का भी आपस में बहुत ज्यादा मतभेद था, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। वही आपको बता दे कि करीना कपूर की लड़ाई तो बिपाशा बसु से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक है, और ये बात से हर कोई वाकिफ है। कहते हैं कि करीना बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्स फील कर लेती है। करीना कपूर एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसकी लड़ाई इस बॉलीवुड में सबसे ज्यादा है। और शायद आपने ये भी नहीं सुना होगा कि सोनाक्षी सिन्हा जरीन खान की भी आपस में नहीं बनती। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।